हाय गाइस, वेलकम टू टॉलिस्ट ऑफ 24। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी के शेयर प्राइसेस के बारे में। आखिर हमें स्टॉक में क्या कुछ देखने को मिल सकता है चार्ट्स के अकॉर्डिंग, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। बात करें जेनरिक इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन एंड प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कंपनी की, जिसे हम गैनकॉन के नाम से भी जानते हैं, आज हमें तकरीबन 4.5% की तेजी स्टॉक में देखने को मिली। फिलहाल जो कंपनी का शेयर कारोबार कर रहे हैं वो 67.90 रुपये पर कारोबार कर रहे हैं। फिलहाल जो आप अपने स्क्रीन पर चार्ट देख रहे हो गैनकॉन कंपनी का, वो आप 1 वीक टाइम फ्रेम पर देख रहे हो। 1 वीक टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 69.98 रुपये पर है, जो कि इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। जिस हिसाब का वॉल्यूम बना हुआ है, अगर हमें यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो अच्छी खासी रैली, अच्छा खासा अपसाइड गैनकॉन के अंदर पॉसिबल है। पर चांसेस ज़्यादा ये बनते हैं कि आज देखो कि रेजिस्टेंस है और मजबूत रेजिस्टेंस है, स्टॉक का ऑल टाइम हाई है। अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है तो फिर हमें कंपनी के शेयर इस लेवल से नीचे जाते हुए दिखाई देने वाले हैं। फिलहाल जैसे कि आप देख रहे हो NSE का, मैं आपको डाटा दिखाता हूँ। आज तकरीबन NSE पर 1,579,000 शेयर ट्रेड हुए। फिलहाल आप देखोगे जैसे कि मैंने बोला जो कंपनी के शेयर है पर रेजिस्टेंस के आसपास, इसलिए आप देखोगे अभी भी 4,927 क्वांटिटी किसी ने सेल साइड से लगा दी है। यानी कि जितने भी स्विंग ट्रेडर्स होते हैं, इंट्राडे ट्रेडर्स होते हैं, अगर यहाँ कल इस लेवल पर यानी 70 के लेवल पर अगर ये लेवल टूटता है तो हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आती है और यहाँ से जो कंपनी की शेयर प्राइस फिर एक बार रिवर्सल दिखाते हैं तो फिर हमें ये इस लेवल तक नीचे आते हुए कंपनी के शेयर प्राइस दिखाई देने वाले हैं। पर जिस हिसाब से हमें आज वॉल्यूम देखा, वॉल्यूम हमें अच्छा खासा देखने को मिला, चांसेस है ब्रेकआउट हो जाए और अच्छा खासा अपसाइड यहाँ से पॉसिबल है। पर चांसेस ये भी हैं कि यहाँ हमें अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिले, प्रॉफिट बुकिंग जो स्विंग ट्रेडर हों या करते हुए नज़र आए। क्योंकि आप देखोगे पिछले एक साल से जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं इसी रेंज में लगातार कंसोलिडेट कर रहे हैं। देखोगे ये 16 जून 2023 का ऑल टाइम हाई था, जो कि था 69.98 रुपये, जिसके बाद से आप देखोगे लगातार जो कंपनी के शेयर प्राइस हैं इसी रेंज में फंसे पड़े हैं। अगर यहाँ ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो अच्छी खासी रैली, अच्छा खासा अपसाइड पॉसिबल है, नहीं तो फिर जो कंपनी के शेयर प्राइस इसी रेंज में घूमते हुए दिखाई देने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले या तो अपनी खुद की रिसर्च करें या फिर जो भी आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं उनकी सलाह लें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी। थैंक यू।